भाइयों राम राम। आपका अपना चैनल रियल बाबा वाइस, उसी कड़ी को उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी की, पंडित लक्ष्मीचंद जी की कविताओं की खूबियां। एक खूबी किसी भी सांग में एक रागनी, एक कविता ऐसी फिट करते थे जिसमें पूरा सांग का वृतांत, पूरा सांग का हाल उसमें क्या आ जाता था। पंडित जी कहते थे, चंद्रगुप्त धर्ममालकी में मैंने बताया था कि रुई का व्यापार, रुई में काफ़ी मुनाफा, सच्चे मोती और लाल जूड़े की चाह में बरंडा बन गया, धर्ममाल की पल्ला लाग गई। और चलते चलते धर्ममाल की पूछती है, लाला जी आप अपने बारे में बताइए, किसे सुबह के मात पिता और किसे सुबह के भाई, किस रंग ढंग तक करो गुजारा, बुझ से सेठ की जाइए। शील सुबह के मात पिता और शील सुबह के भाई, इस रंग ढंग तक करें गुजारा, सुने न सेठ की जाइए। इस प्रकार यहाँ एक रागनी फिट की जिसमें पूरी स्टोरी एक संक्षिप्त रूप में ब्रीफ समरी। दयावती जननी पर कर दी राम ने दया, एक जना था जेठा बेटा धोरे ना रहा। ये मैं सुना चुका हूँ, आज मैं दूसरा सांग शाही लकड़ारा, इसमें भी एक रागनी ऐसे ही फिट की। शाही लकड़ारे की एक ब्रीफ समरी 2 मिनट की। राजा राय सिंह के 2 लड़कियां थी, एक का नाम बिन्ना, एक का नाम बेला। बिन्ना पढ़ने लिखने में होशियार थी और बेला खेल कूद में होशियार थी। बड़े मज़े से रात चल रहा था, दोनों लड़कियां हर रोज छैणी होती आवन थी। राजा गश्त पे थे, राजा ने देखा एक कुमार, गर्मी का टाइम, जून बोलते एक रस्सी होती है, जून बांध के अपने पैर कर, गधे का पैर कर कुरड़ी पर सोन लाग रहा, किसी एकांत में सोन लग रहा। राजा ने सोची अगर ये गधा भाग ले तो इसका क्या हुआ भाई। अब यहाँ विचार आता है कि इस संसार में सुखी वही इंसान है जो बेफिक्र है। ये विचार किसी भी विचार दिमाग में घर कर जाता है, उसको सत्य मान लेता है। ये तब होता है जब उसका टो उसकी दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा हो, उसका जवाब नहीं मिल रहा हो और वहाँ जवाब मिल जाए। अब उसके दिमाग में चल रहा था काफ़ी दिन से, राजा राय सिंह के दिमाग में, कि सुखी कौन और दुखी कौन। अब उसने उस सीन को देख कर अपने दिमाग में इस जवाब को बिठा लिया कि सुखी वही है जो बेफिक्र इंसान है। जाके दरबार के बाहर डोडी को ऊपर परवाना लगा दिया के भाई, एक स्लोगन लिख दिया कि वह बेफिक्र जो होता है वही सुखी इंसान होता है। लड़कियां शाम को खेलने के लिए आती थी, उन्हें बिन्ना ने देखा कि यो किसने लगा दिया, यो किस मूर्ख आदमी ने लगा दिया। सुख तो शुभ कर्म से मिलता है, बेफिक्री से कभी सुख नहीं मिलता। सुख तो पतिव्रत धर्म से मिलता है। अब उसको काट के नीचे लिख दिया कि अपने धर्म की पालना पतिव्रत धर्म से और शुभ कर्म से सुख मिलता है, और ऊपर वाला काट दिया, नीचे लिख दिया। लड़कियां खेल कूद करके अपने चली गई।
अगले दिन राजा आया, राजा ने देखा कि मेरा लिखा हुआ किसने काट दिया। अब पहरेदार ने बताया कि महाराज यहाँ तो लड़कियाँ आई थी शाम को। लड़की कौन आई थी, किसने काटा, पता चला कि बिना ने काटा, बिना को बुला लिया के बेटी ये तन्ने काटा के। हाँ के पिताजी, वो किसने लिखा था, वो तो गलत था, सही तो ये है जो मैंने लिखा है। अब राजा वो अपनी चीज़ को सही मानता रहा, लड़की अपनी चीज़ को, बाप बेटी में तर्क हो गया, तर्क विचारों का विवाद हो गया। बात यहाँ तक आ गई, मैं देखता हूँ तेरे पतिव्रत धर्म को। सभी दरबारियों दरबार इकट्ठा कर लिया और ये अलकारों को बोल दिया कि ऐसी इसके पतिव्रत धर्म को देखेंगे, ऐसे कंगाल जिसके नान खान ने किसी भी चीज़ कोई चीज़ का आता पता ना हो, निर्धन हो, उसके साथ इसकी शादी कराएंगे, ढूंढ के लाऊं। यहाँ से एक सांग शुरू होता है। यदि मैं पूरा वृत्तांत सुनाऊंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। अब एक रागनी ऐसी जिसमें पूरा सांग, चंद्रगुप्त धर्ममाल की मैं बता दिया मैंने, दयावती जननी पर कर दी राम ने दया, एक जना था जेठा बेटा धोरे ना रहा। अब यहाँ लकड़ारे का जिक्र है, सांग लकड़ारा। माता ने बड़ो बाश ढो लिया, बेटा जिनके दाग ढो लिया, 8 साल का कवर हो लिया, माँ मरगी कंगाल की। ये लकड़हारे का जिक्र है, ये लकड़हारा है उनके फंसेगा और वह पकड़ के ले जाएंगे और शादी करेंगे, ध्यान से सुनना। ऐसी लागी चोट जिगर में, बोझ तड़े बाल रहे ना शर में, माधोपुर में जाया करता, बेच लाकड़ी आया करता, जब दो रोटी खाया करता, चाना ना धन माल की, 8 साल का कवर हो लिया, माँ मरगी कंगाल की, माता ने बनवास टो लिया, बेटा जिनके दाग ढो लिया, 8 साल का कवर हो लिया, माँ मरगी कंगाल की। अब पहली कली में उसके माँ मरने के बाद उसने जो बोझा ढोया, जो कष्ट उठाए, लकड़ी ढोई, लकड़ी के बदले सिर्फ दो रोटी मिलती थी। दूसरी कली में दुख में तख्त धरण के अलगे, राह चलते के गढ़ में गिल गए, कौन गिल गए, राजा राय सिंह के अलकारे के, चल तेरी शादी करांगे। दुख में तख्त धरण के अलगे, राह चलते के गढ़ में गिल गए, बण में मिल गए दो अपराधी, दंगतैणे ते कर दी शादी, बिना कंगले के संग ब्याह दी, उम्र थी 17-18 साल की। माता ने बणवास ढो लिया, बेटा जिनके दाग ढो लिया, 8 साल का कवर हो लिया, माँ मरगी कंगाल की। अब दूसरी कली में सीन है, शादी भी होगी और के होया, उड़े था घोर अंधेरा बण, क्योंकि बण मरा करदा कुटिया में, समाज का ज्ञान नहीं था, समाज में कैसे रहते, उड़े था घोर अंधेरा बण, कुछ टोटा कुछ बालकपण, छन कंगन बेचे ते धन हो गया, बिना की जब शादी करी तो उसकी माँ की आदत होती है। ये भी सीन लक्ष्मीचंद ने सही दर्शाया है, कुछ पल्ल नीचे देने की आदत हो है, माँ की ममता होती है, देव कुछ भी। अब कंगले के संग शादी की तो धनमाया नहीं दी थी, बिल्कुल एक जोड़ी लते लते में, पर उसकी माँ ने चुपक दे ही 2 कंगन दे दिए थे सोने के, और इन्हें वो सोने के कंगन बेच के ने अपना भेष सुधार लिया, अपना खान पीन का लिया है। उड़े था घोर अंधेरा बण, कुछ टोटा कुछ बालकपण, छन कंगन बेचे तो धन हो गया, फिर गंगा नहाने ने मन हो गया, नहाए पाछे फिर शुद्ध तन हो गया। एक बात बनी नए चाल की,
लक्ष्मी चंद की कविता में खूबी थी, जब वह स्टोरी को मोड़ देता था तो उसके लास्ट वाली लाइन में उस मोड़ टर्न पॉइंट दर्शाता था, एक बात बनी नए चाल की। अब वह बात कौन सी बनी? डाकू आगे थे, जानी दुश्मन थे राजा राय सिंह के, उन्हें पता था, वो लकड़हारा किश्ती देख रहा था और उसने उठा ले गए थे। उन्हें जब बताई ना कि भाई बिना मेरी बाट देखा है तो सो हो, ये तो वो बिना के साथ शादी हुई थी वो है। लक्ष्मी चंद्र आ किश्ती देख, किसी लागी रेख में मेक, एक पकड़ लिया एक रही रोवती, आंसू तैमू रही दोवती, चौकर देना रही टोवती, वाह हूर अवस्था बाल की। माता ने बनवास टो लिया, बेटा जन का दाग डो लिया, 8 साल का कवर हो लिया, माँ मरगी कंगाल की। इसी टाइप के हम आगे एक सांग में एक रागनी ऐसी जिसमें पूरी पूरे सांग का हाल हो, ब्रीफ समरी हो, और बताएंगे। धन्यवाद।